यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। इसी बीच बड़ी खबर झज्जर से है, जहां पर मोटरयान संशोधन विधेयक पारित होने से रोडवेज कर्मचारियों में रोष देखा जा रहा है। आपको बता दें कि पानीपत में प्रदेश के रोडवेज कर्मचारियों की कन्वेंशन बुलाई गई थी और उनकी उनमें रोष भी देखा गया है। आपको बता दें कि सरकार के खिलाफ निर्णायक आंदोलन की घोषणा भी उनकी ओर से की जाएगी। आपको बता दें रोडवेज कर्मियों का बयान भी यहां पर सामने आया है कि विधेयक पास होने से विभाग तालाबंदी की कगार पर पहुंच जाएगा, तो काफी रोष रोडवेज कर्मचारियों में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि सरकार ने अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया, ये भी रोडवेज कर्मचारियों का कहना है, तो उनकी ओर से रोष प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, सुमित कुमार हमारे संवाददाता झज्जर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी सुमित, तो ये रोडवेज कर्मचारियों में जो रोष देखा जा रहा है, इसे लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी आपको बता दें कि विधानसभा सत्र में राज्य के परिवहन मंत्री ने हरियाणा का संशोधन विधेयक 2018 में पारित होने से रोडवेज कर्मचारियों में रोष बना हुआ है, जिसके विधेयक पास होने से परिवहन विभाग में तालाबंदी के कागजात पर पहुंच गया, जिसमें रोडवेज प्रधान परमवीर ने बताया कि सरकार ने अपने चहेतों को विधेयक पारित किया गया। उन्होंने बताया कि आज प्रदेश में रोडवेज कर्मचारियों की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें हरियाणा के सरकार के खिलाफ आंदोलन की घोषणा की जाएगी। आंदोलन कड़ा रूप धारण भी कर सकती है। ये मीटिंग पानीपत की रोड धर्मशाला में मीटिंग का आयोजन किया गया। जी बिल्कुल सुमित, ये विधेयक पास होने से विभाग तालाबंदी की कगार पर पहुंच जाएगा, ऐसा उनका कहना है, तो उन्हें क्या क्या दिक्कतें इस बिल के पास होने के बाद से आ रही है? बजट से नाखुश होकर कर्मचारियों में रोष बना हुआ है कि जो बजट आना था तो उसको लेकर, जैसे कि रोडवेज की नई बसें कुछ बसें भी करनी थी और जिसमें कर्मचारियों को भी पक्का करने की मांग थी, इनकी पहले भी मांग पूरा नहीं रही है। और राजीव पुरानी ने जो कि मंत्री से पहले भी बातचीत हुई थी, लेकिन वो विधेयक बोले कि इनको बताया गया कि जो बजट पास होगा उसमें आपका रख दिया जाएगा, लेकिन ये असंतुष्ट रहे तो उस चीज को लेकर आज मीटिंग की गई है पानीपत में। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुमित कुमार तमाम जानकारी देने के लिए। तो रोडवेज कर्मचारियों में कहीं ना कहीं रोष देखा जा रहा है और उनकी ओर से बड़े आंदोलन की घोषणा भी की जाएगी और सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन उनकी ओर से निकाले जाएंगे।